मुंबई को तब बंबई के नाम से जाना जाता था। वहां के एक मशहूर फोटोग्राफर हुए जिनका नाम था यस यस देवरे। मिस्टर यस यस देवरे वही शख्सियत थे जिन्होंने साईं बाबा की मशहूर तस्वीर खींची, या वही मशहूर तस्वीर थी जो हजारों लाखों घरों में टंगी रहती है। क्या कहानी है साईं बाबा की, कौन थे, कहां से आए, जानेंगे इस वीडियो में। शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर में पड़ने वाला एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था जो आज पूरे भारत में साईं बाबा के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साईं बाबा शिरडी के मूल निवासी नहीं थे। साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इसके विषय में कोई ठोस प्रमाण नहीं है और ना ही शिरडी के साईं बाबा ने इस विषय में कोई जानकारी दी है। एंटोनियो रिगोपलस अपनी पुस्तक द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ साईं बाबा ऑफ शिरडी में लिखते हैं कि 1855 के आसपास 16 वर्ष की उम्र में साईं बाबा शिरडी पहुंचे। लोक कथाओं के अनुसार वे 3 वर्ष शिरडी में रहे और अचानक गायब हो गए। इसके बाद 1858 में वापस शिरडी में आए और 1858 से आगे 60 वर्षों तक शिरडी में रहे। धीरे धीरे उनके किस्से, कहानियां व उनके चमत्कार की कहानियां लोगों तक पहुंचने लगी और लोग उनके दर्शनों को खींचे चले आते। इसी बीच साईं बाबा की कुछ दुर्लभ तस्वीरें खींची गईं। इसी तस्वीरों के माध्यम से साईं बाबा के जीवन के कुछ प्रमाण मिलते हैं। साईं बाबा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे शिरडी में भिक्षा मांगा करते थे। उनके पास एक झोली हुआ करती थी जिसमें वे अनाज, आटा, कपड़े रखा करते थे, और उनके पास एक स्टील या टिन का जग हुआ करता था जिसमें पानी और दूध पिया करते थे। दूसरी तस्वीर है साईं बाबा की जिसमें वे एक धुनी के पास बैठे हैं। धुनी वही है जो साईं बाबा के आश्रम में जला करती थी। इस तस्वीर को महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर काशीनाथ गोडे ने खींचा था। एक और अगली तस्वीर है साईं बाबा की जो एक दीवार का टेक लेके खड़े हैं। यह वर्ष 1906 में तस्वीर खींची गई थी। इस तस्वीर को भी काशीनाथ गोडे ने खींचा था। अगली तस्वीर है साईं बाबा की जो द्वारिका माई में बैठे हैं। द्वारिका माई वही स्थान है जहां साईं बाबा रहा करते थे। दोस्तों वर्ष था 1918, महीना था अक्टूबर का, जब साईं बाबा ने अपने भक्तों से कहा वे जल्द ही आप लोग को छोड़कर इस दुनिया से चले जाएंगे। साईं बाबा की कहानी यही खत्म नहीं होती। उनकी मृत्यु के बाद उनके दिव्यता, उनके चमत्कार के चर्चे देश विदेश में फैलने लगे। भारत और अनेक भागों से लोग उनके दर्शन को करने शिरडी आया करते थे। दोस्तों एक दिलचस्प आंकड़ा यह है कि शिरडी का साईं मंदिर दुनिया के सबसे तीसरे अमीर मंदिरों में से एक है। ये कहानी शुरू हुई थी एक तस्वीर से। वह तस्वीर आज भी लोगों के मन में बसती है। दोस्तों आपका साईं बाबा के विषय में क्या मत है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।